हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फार्मा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी ऑन रिसर्च प्रोटोकॉल, जिसमें हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करने वाले थे। इस सीरीज़ की पहले वीडियो में हमने देखा था कि रिसर्च प्रोटोकॉल क्या होता है, रिसर्च प्रोटोकॉल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल अमेंडमेंट एंड ओवरऑल कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रोटोकॉल। आज की दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल वायलेशन एंड डेविएशन क्या होता है एंड केस स्टडी रिलेटेड विद द प्रोटोकॉल वायलेशन। सो गाइस, इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो की स्टार्ट होने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एस इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रोटोकॉल डेविएशन होता क्या है। इट इज़ एन एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल चेंजेस और नॉन कम्प्लायंस विद द रिसर्च प्रोटोकॉल और डज नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट राइट सेफ्टी और वेलफेयर और ऑन डेटा इंटीग्रिटी। सो प्रोटोकॉल डेविएशन होता क्या है। मान लो कोई साइड स्टाफ है एंड उसके एंड से कोई ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट हो जाती है जो कि प्रोटोकॉल में मेंशन नहीं है, उसे हम बोलते हैं डेविएशन। बट डेविएशन में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी साइड स्टाफ ने परफॉर्म की है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता ऑन सब्जेक्ट राइट सेफ्टी और वेलफेयर और ऑन द डेटा इंटीग्रिटी। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीशेड्यूल स्टडी विजिट। सो गाइस, हमें अगर कोई साइट इनिशिएशन विजिट करना है तो उसके पहले एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हमें कलेक्ट एंड फाइल करने होते हैं इन ट्रायल मास्टर फाइल, जैसे कि 1572 फॉर्म, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर फॉर्म, सीवी, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, प्रोटोकॉल सिग्नेचर पेज। अगर इसमें कोई डिले हो जाती है इन फाइलिंग तो उसके वजह से साइट इनिशिएशन विजिट या स्टडी विजिट रीशेड्यूल हो सकती है एंड जो कि प्रोटोकॉल डेविएशन होता है। एंड ऑल्सो सब्जेक्ट रिफ्यूजल टू कम्प्लीट शेड्यूल्ड रिसर्च एक्टिविटी। मान लो अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इवेंट पार्टिसिपेंट को बट वो करने से मना कर देता है तो वो भी एक प्रोटोकॉल डेविएशन ही होता है। सो गाइस, हमने देखा प्रोटोकॉल डेविएशन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रोटोकॉल वायलेशन क्या होता है। इट इज़ एन एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल चेंजेस और नॉन कम्प्लायंस विद द IRB अप्रूव्ड प्रोटोकॉल विदाउट प्रायर स्पॉन्सर एंड IRB अप्रूवल। वायलेशन जनरली इंक्रीज रिस्क और डिक्रीज बेनिफिट, एफेक्ट द सब्जेक्ट राइट सेफ्टी और वेलफेयर और डेटा इंटीग्रिटी। सो गाइस, प्रोटोकॉल वायलेशन में भी जो साइड स्टाफ है उसके एंड से ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है जो कि प्रोटोकॉल में मेंशन नहीं होती एंड उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल वायलेशन। बट इस केसेस में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है साइड स्टाफ ने उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन सब्जेक्ट राइट सेफ्टी वेलफेयर और ऑन डेटा इंटीग्रिटी एंड जो कि काफ़ी सीरियस इश्यू होते हैं। हम प्रोटोकॉल वायलेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेलियर टू ऑब्टेन वैलिड इन्फॉर्म कंसेंट। जो भी साइड स्टाफ है वो ह्यूमन पार्टिसिपेंट का साइन लेता है ऑन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। मान लो जो भी इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन लिया है उसे IRB अप्रूवल नहीं था या उसमें IRB अप्रूवल का स्टैम्प नहीं है तो उसे हम प्रोटोकॉल वायलेशन बोलेंगे। हैज़ विदाउट साइनिंग वैलिड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म कोई भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट को किसी भी स्टडी में इनरोल नहीं किया जा सकता। एंड ऑल्सो लॉस ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर। सो जो भी साइड स्टाफ है अगर उसने लैपटॉप कैरी किया एंड सडनली उसके हाथों से वो लैपटॉप खो जाते हैं एंड जिसमें जो भी पेशेंट को इनरोल किया था स्टडी में उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अगर वो लॉस हो जाती है तो वो कम्प्लीटली प्रोटोकॉल वायलेशन होता है। ऑल्सो एक्सीडेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकरेक्ट स्टडी मेडिकेशन और डोज। साइड स्टाफ से गलती से इनकरेक्ट डोज ऑफ मेडिकेशन डिस्पेंस हो जाती है टू द इवेंट पार्टिसिपेंट, वो भी ह्यूज प्रोटोकॉल वायलेशन होता है। ऑल्सो नॉट फॉलोइंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया क्या होता है गाइस, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है किसी भी इवेंट पार्टिसिपेंट को स्टडी में इनरोल करना है या नहीं, उसे हम कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। सो ये था प्रोटोकॉल वायलेशन। आगे देखते हैं जब भी प्रोटोकॉल वायलेशन होता है तब क्या करना होता है। अगर कोई मेजर प्रोटोकॉल वायलेशन हुआ है तो सारे साइड स्टाफ को इन्फॉर्म करना होता है एंड जब भी वायलेशन होता है तब सारे साइड स्टाफ को NC एंड CAPA ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं टू द स्पॉन्सर एंड FDA। NC क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है जब भी प्रोटोकॉल वायलेशन होता है तो उसके बिहाइंड रीज़न क्या है वो रीज़न हमें बताना होता है टू द IRB एंड स्पॉन्सर। एंड CAPA क्या होता है, जो भी हमने करेक्टिव एक्शन लिया है जिसके थ्रू वो वायलेशन एंड डेविएशन करेक्ट हो सके उसके बारे में हमें बताना होता है IRB एंड टू द स्पॉन्सर। एंड IRB एंड स्पॉन्सर की अप्रूवल मिलने के बाद ही कोई भी आगे की एक्टिविटी कंडक्ट करनी पड़ती है क्लिनिकल ट्रायल। सो गाइस, ये था प्रोटोकॉल वायलेशन एंड डेविएशन। चलिए आगे देखते हैं केस स्टडी रिलेटेड विद द प्रोटोकॉल वायलेशन। सो आज की पहली केस स्टडी देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कोई क्लिनिक है एंड वो एक घंटे में बंद होने वाली है एंड वहाँ पर एक पेशेंट आया हुआ है जो कि रिसर्च कोऑर्डिनेटर को लगता है कि वो स्टडी पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल है एंड उसे क्विकली इनरोल करने के लिए वो सारे स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स जो कि रिसर्च प्रोटोकॉल में मेंशन है वो परफॉर्म कर लेता है। बट एट द सेम टाइम जो रिसर्च कोऑर्डिनेटर है वो ह्यूमन पार्टिसिपेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो डिस्कस रिव्यू एंड साइन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। सो इस सिनेरियो में देखते हैं प्रोटोकॉल वायलेशन हुआ है या नहीं। सो गाइस प्रोटोकॉल वायलेशन हुआ है जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था विदाउट ऑब्टेनिंग वैलिड साइंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म फ्रॉम ह्यूमन पार्टिसिपेंट। कोई भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट को स्टडी में एनरोल नहीं किया जा सकता एंड सिंपल से क्राइटेरिया जब तक ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म पूरी समझ में नहीं आ जाती या वो खुद से साइन नहीं कर देता तब तक उसे एनरोल नहीं किया जा सकता इन स्टडी। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड केस स्टडी। जो भी पार्टिसिपेंट है उसे रिसीव होती है रॉन्ग डोज ऑफ स्टडी मेडिकेशन। यस ये वायलेशन है जैसे कि पहले मैंने बताया जो भी रिसर्च है उसे एक स्टैंडर्डाइज मैनर में कंडक्ट होना चाहिए एज़ पर द प्रोटोकॉल एंड कभी भी कोई भी रॉन्ग डोज ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए टू द रिसर्च पार्टिसिपेंट। सो ये थी केस स्टडी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं केस स्टडी 3 पे। मान लो अगर कोई पार्टिसिपेंट है उसे एनरोल कर दिया स्टडी में इवन दो वो मीट नहीं करता इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। सो गाइस ये वायलेशन है कि नहीं। यस ये वायलेशन है अगर कोई भी पार्टिसिपेंट मीट नहीं कर रहे हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इन क्लिनिकल ट्रायल हैज इसके वजह से उसकी सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जो भी कोऑर्डिनेटर एनरोल कर रहा है ह्यूमन पार्टिसिपेंट को उसे इंश्योर करना होता है कि वो इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो भी मेंशन है प्रोटोकॉल में वो मीट कर रहा है कि नहीं। सो ये थी केस स्टडी 3। चलिए आगे आते हैं केस स्टडी 4 पे। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटोकॉल है जिसपे दिया है ऑन द थर्ड एंड सिक्स स्टडी विजिट यूरिन सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट कलेक्ट करना है एंड अगर यूरिन सैंपल थर्ड एंड सिक्स स्टडी विजिट पे कलेक्ट नहीं होते तो उसे फॉलोइंग स्टडी विजिट पे कलेक्ट किया जा सकता है। सो इससे रिलेटेड सिनेरियो देखते हैं। मान लो एक कोई हॉस्पिटल है उस पर क्लिनिशियन भूल जाता है यूरिन कलेक्शन ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट ऑन स्टडी विजिट 3। बट जब भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट ऑन विजिट 4 पे आता है तो उसका यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लेता है क्लिनिशियन। तो ये केसेस में वायलेशन हुआ है कि नहीं ये देखते हैं। सो गाइस इसमें कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है एज प्रोटोकॉल में डिस्क्राइब किया गया था। अगर थर्ड एंड सिक्स विजिट पे अगर यूरिन सैंपल कलेक्शन नहीं होता तो उस फॉलोइंग विजिट में वो यूरिन सैंपल कलेक्ट कर सकता है क्लिनिशियन एंड जो भी क्लिनिशियन था उसने वही किया। उसने इवन दो थर्ड विजिट पे यूरिन सैंपल कलेक्ट नहीं किया बट उसने फोर्थ विजिट पे यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जो कि प्रोटोकॉल से कंप्लेंट थे इसलिए कोई भी प्रोटोकॉल वायलेशन नहीं है। सो गाइस ये थी केस स्टडी रिलेटेड विद द प्रोटोकॉल वायलेशन। सो गाइस होप करता हूँ इसके थ्रू आपको प्रोटोकॉल वायलेशन एंड डेविएशन के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा हो। एंड गाइस मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें फार्मा रिलेटेड जॉब या फार्मा रिलेटेड अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हो एंड इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ऑल्सो मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमने क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया है एंड उससे रिलेटेड 6 से 7 वीडियो हमने डाल चुके हैं। अगर हमने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो गाइस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंटिल देन आप अपने आप का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। एंटिल देन बाय बाय।